गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का वीडियो क्लास फिफ्थ के लिए है। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, चैप्टर का नाम है वन न्यू ईयर्स डे। वन न्यू ईयर्स, न्यू ईयर्स हम किसको बोलते हैं, जब नया साल शुरू होता है उसको न्यू ईयर बोलते हैं। तो वन न्यू ईयर्स डे एक बच्चे की कहानी है, जो कि एक प्रॉमिस करता है अपने आप में कि हम कैसे रहेंगे, कैसे जो है अपना काम करेंगे हम। तो चैप्टर शुरू करते हैं। वन न्यू ईयर्स डे ए ईयर एगो, कह रहा कि वन न्यू ईयर्स डे ए ईयर एगो, मतलब एक साल पहले की बात है, न्यू ईयर का दिन था। आई स्टार्टेड ऑफ द ईयर, जब हमने साल स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड ऑफ द ईयर, जब साल हमने शुरू किया, बाय मेकिंग रिजोल्यूशंस, हमने रिजोल्यूशंस जो है एक रिजोल्यूशन बनाया, कि एक मतलब प्रतिज्ञा की हमने सिंसियरली, कि मेकिंग मीन्स होता है बनाना, रिजोल्यूशन मीन्स किसी जो है निष्कर्ष पे पहुंचना होता है। तो ये कहा कि मैंने एक प्रतिज्ञा की, एक जो है अपने आप में एक कमिटमेंट किया, दैट वेयर प्रोबेबली सेवर, जो कि शायद जो है सेवर था, बहुत ही मतलब जो है एक दृढ़ प्रतिज्ञा थी, ठीक है, प्रोबेबली सेवर, सेवर था, दृढ़ था, निश्चित था, ठीक है। कह रहा आई सेड आई हैड सेव माई मनी, तो ये दृढ़ प्रतिज्ञा क्या थी, उसका कमिटमेंट क्या था, कि अब मैं जो है पैसे सेव करूँगा, मतलब कि जो पैसे बचाऊँगा मैं। आई हैड सेव माई मनी, जो हमारे पास पॉकेट मनी होता है, हमको मिलता है, उसको मैं बचा के रखूँगा। ये उसने नए साल में जो है एक कमिटमेंट किया। फिर क्या किया, एज दिस सीम्स सो वेरी वाइज, मतलब कि ये ऐसा प्रतीत हो रहा था, सीम मीन्स प्रतीत होना, सो वेरी वाइज, कि ये बहुत ही मतलब बुद्धिमानी वाला काम है, कि जो है हम पैसे बचाएंगे तो ये, अगर हम फालतू का खर्च नहीं करेंगे तो एक बुद्धिमानी वाला काम है, तो ये ऐसा प्रतीत हो रहा था। आई वाउड आई वुड इम्प्रूव माई हेल्थ, आई वाउड मतलब कि जो हमने ये भी किया कि जो है मैं अपना हेल्थ इम्प्रूव करूँगा, इम्प्रूव मीन्स हेल्थ में अच्छा करूँगा, अपना स्वास्थ्य जो है, हेल्थ में स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य में मैं अपना ठीक रखूँगा, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह जो भी चीज़ें हैं मैं करता रहूँगा। आई सोर आई हैड एक्सरसाइज, मैंने एकदम शोर कर लिया कि जो है कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, एक्सरसाइज मीन्स जो होता है ना कि अभ्यास वगैरह, ठीक है, फिजिकली जो करते हैं लोग एक्सरसाइज, तो उसने कहा कि मैं पक्का जो है एक्सरसाइज करूँगा इसके लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, ठीक है। आई स्टेटेड आई वुड डू माई होमवर्क, मैंने ये भी स्टेट किया कि जो है मैं अपना होमवर्क खुद करूँगा, होमवर्क गृह कार्य जो है मैं अपना खुद करूँगा, एवरी सिंगल डे, मतलब हर एक दिन डेली का होमवर्क मैं डेली करूँगा। आई हैड ब्रश माई टीथ रिलीजियसली, कि मैं जो है अपने टीथ को, टीथ मीन्स दांत को, ब्रश जो है रिलीजियसली मतलब कि सीरियसली मैं उसको भी करूँगा, सिंसियरली करूँगा मैं, ठीक है। टू वार्ड ऑफ टूथ डिके, टू वार्ड ऑफ टूथ डिके, मतलब कि जो टूथ डिके होता है, दांत सड़ते हैं, इसको मैं जो है बचाऊँगा, मतलब जो है ब्रश करके डेली मैं अपने टूथ को मतलब सेफ रखूँगा, ये भी उसका प्रॉमिस था। मतलब ये सारे उसके प्रॉमिस थे कि न्यू ईयर पर मैं ये करूँगा, पैसे बचाऊँगा, फिर जो है अपने हेल्थ को इम्प्रूव करूँगा, मैं अपना होमवर्क करूँगा डेली का डेली, फिर अपने मतलब टूथ को भी मैं ब्रश करूँगा, ठीक है। आई हैड ईट माई फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फिर बोला कि मैं अब जो हमारे फ्रूट्स हैं मैं वो भी खाऊँगा, वेजिटेबल्स भी खाऊँगा मैं, ठीक है। एंड कीप माई बेडरूम क्लीन, मैं अपने बेडरूम को भी जहाँ मैं सोता हूँ उसको भी मैं क्लीन रखूँगा, मतलब साफ़ सुथरा रखूँगा, ठीक है। ये सब उसके प्रॉमिस हैं। आई हैड ट्रीट माई सिस्टर काइंडली, उसने ये भी प्रॉमिस किया कि जो मेरी सिस्टर है उससे मैं काइंडली ट्रीट करूँगा उसको मैं, ठीक है, उससे बड़े प्रेम से जो है उससे व्यवहार करूँगा, उसका जो है प्रेमोद व्यवहार रहेगा, ठीक है, ये भी उसने प्रॉमिस किया। दो सी इज़ ऑफन वेरी मीन, जबकि जो है, तो मीन्स जबकि, सी इज़ ऑफन, वो प्रायः जो है, ऑफन मीन्स प्रायः, वेरी मीन, मीन मीन्स जो है वो अपना जो केवल अपना ही मतलब देखती है, मीन मीन्स होता है स्वार्थी टाइप में, ठीक है, सेल्फिश टाइप में, तो मीन है, लेकिन तब भी मैं उससे काइंडली जो है व्यवहार करूँगा। तो ये सब उसके प्रॉमिस थे, ठीक है।
एक छोटे बच्चे के नए साल के ये प्रॉमिस थे, वो अपने आप में कमिटमेंट किया था कि मैं ये सब करूँगा। माय रेजोल्यूशन लास्टेड मी, जो मेरा रेजोल्यूशन था वो हमको लास्टेड किया, मतलब कि जो है हमको खो दिया, मतलब कि जो है रेजोल्यूशन जो एक निष्कर्ष पे हम पहुँचे थे, एक डिसीजन पे पहुँचे थे, वो हमको जो है लॉस्ट कर दिया। अबाउट ए हाफ डे, मतलब कि जो है एक आधे दिन में ही मैं उस रेजोल्यूशन को, मतलब कि जो है एक मान के चलो कि उसको मैं लॉस्ट कर दिया, आधे दिन ही भी मैं नहीं फॉलो कर पाया और मैं जो है उसके लिए जो है डिनाई कर गया। आई प्रोमिस्ड आई वुड कीप देम, मैंने प्रॉमिस किया था कि इन सब रेजोल्यूशन को, ये सब जो प्रॉमिस थे, कमिटमेंट थे, इसको मैं करूँगा, लेकिन क्या कहा, आई प्रोमिस्ड आई वुड कीप देम, मैं इन सब चीज़ों को मतलब जो है कैरी ऑन करूँगा, मतलब कि इसको फॉलो करूँगा, लेकिन क्या हुआ, अबाउट ए हाफ डे ये रेजोल्यूशन हमारा लास्ट हो गया, बट आई ब्रोक देम एनी वे। लेकिन जो है क्या हुआ कि जो ये हमारा प्रॉमिस था ये ब्रोक हो गया, मतलब टूट गया, ठीक है, किसी भी तरीके से टूटा, लेकिन ये टूट गया, प्रॉमिस हमारा जो है, कमिटमेंट हमारा टूट गया। सो नाउ आई एम फैट एंड पेनीलेस, जब मैं इन सब चीज़ों को नहीं फॉलो कर पाया, एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रहा था, ठीक है, तो क्या हुआ, सो नाउ आई एम फैट एंड पेनीलेस, मैं मोटा हो गया और पेनीलेस, पेनीलेस मीन्स कि हमारे पास पैसे नहीं रहे, मैं जो है हमारे पास एक भी पैसे नहीं रहे, पेनीलेस हो गया मैं। माई होमवर्क्स ओवरड्यू, जो हमारे होमवर्क्स थे वो ओवरड्यू हो गए, ओवरड्यू मतलब होता है कि जो है कल का भी परसों का भी जो है अभी होमवर्क बचा हुआ था, मतलब कि उसको हम मैं कर नहीं पाया, ओवरड्यू हो गए, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाया। माई सिस्टर्स मेड माई टीथ आर बैड, जो हमारी सिस्टर्स जो है मेड थी वो कह रहे माई टीथ आर बैड, हमारे जो टीथ थे वो भी खराब हो गए, बैड हो गए। माई रूम इज़ मैसी टू, जो मेरा रूम था वो मैसी हो गया, मैसी मीन्स कि जो है इधर उधर सब जो है चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई थी, एकदम से जो है मतलब एक वे में नहीं थी, इधर उधर हो गई थी। एंड येट आई थिंक आई मे हैव फाउंड, और मैं तब भी सोच रहा था कि हो सकता है हमको मिल जाए द बेस्ट ऑफ ऑल द सोल्यूशंस, मतलब इन सब का कोई सोल्यूशन मिल जाए, कि क्योंकि ये सब सारी चीज़ें हो गई थी, मतलब मैं पेनलेस हो गया था, हमारे होमवर्क ओवरड्यू हो गए थे, मतलब बचे थे, और टीथ भी हमारे बैड हो गए थे, लेकिन फिर भी कह रहा एंड येट आई थिंक आई मे हैव फाउंड द बेस्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन, कि हमको कोई शायद कोई सोल्यूशन मिल जाए, कोई शॉर्टकट मिल जाए जिससे ये सब चीज़ें सही हो जाएं। एंड दिस ईयर आई हैव रिजॉल्व्ड, और इस साल जो है हमने उसको रिजॉल्व कर लिया, मतलब उस सोल्यूशन को, सॉरी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, टू नॉट मेक एनी रिजोल्यूशन, ठीक, मैं अब ये जो है कोई रिजोल्यूशन नहीं बनाऊँगा, ठीक है। ये रहा आपका चैप्टर, फिर आपका मीनिंग आ जाता है, मीनिंग में देख लेते हैं। पहला है रेजोल्यूशन मीन्स फिक्स डिसीजन टू बी फॉलो, रेजोल्यूशन मीन्स कि एक कोई डिसीजन ले लिया जाता है जिसको फॉलो किया जाता है। रिलीजियसली मीन्स विद ग्रेट सिंसियरिटी, मतलब बड़े ही जो है सिंसियर तरीके से, बड़े ध्यान से। पेनीलेस मीन्स विथआउट मनी, मतलब कोई पैसा नहीं होता उसको पेनीलेस बोलते हैं। ओवरड्यू मीन्स पेंडिंग, जैसे होमवर्क वगैरह पेंडिंग था उसका, ओवरड्यू था, वो नहीं करा था, ठीक है, उसको पेंडिंग बोलते हैं। फिर आपका आता है सेवर, सेवर मीन्स होता है सीरियस, ठीक है, बड़े सीरियस तरीके से। डिके मीन्स डैमेज, मतलब सड़ना, डैमेज होना। मैसी मीन्स अनमैनेज, मतलब कि जो अच्छे तरीके से ना रहे, अनमैनेज तरीके से रहे, उसको मैसी बोलते हैं। तो ये रहा आपका जो है फिफ्थ क्लास का पहला चैप्टर, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर आपका नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। थैंक यू।